नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। राजस्थान पुलिस एनसीआर की 14 तारीख को जो शाम को पेपर हुआ था और जो प्रश्न मेरे पास भेजे गए थे उन प्रश्नों को मैं फिर आपके बीच में लेकर उपस्थित हूं, क्योंकि जो 14 तारीख को जो सुबह पेपर हुआ था उसके अंदर तो कम से कम 40% के आसपास हमें मिले थे जो मैंने आपको करवा दिए थे, है ना। कैसे प्रश्न आगे पूछ रहा है तो कल भी जो पेपर होने वाला है वो रिपीट भी कर रहा है कुछ प्रश्न, तो ध्यान में रखना। ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या पूछी उसने, तो राजस्थान में कुल जिलों की बात करें तो आप सभी को पता है है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी थी तो गुरु शिखर हो जाएगी, जो सिरोही के अंदर है, गुरु शिखर सिरोही के अंदर हो जाएगी। उसके बाद में सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है। उसके बाद गोगामेडी के बारे में उसने असत्य कथन पूछा था कि गोगामेडी के बारे में असत्य कथन कौन सा है कि गोगामेडी जिला वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में, यह भी बात सही थी। गोगामेडी जिले गोगामेडी के बारे में शायद उसके निर्माण बाबा साहब इस प्रकार से बता रहे थे साथी विद्यार्थी कि उन्होंने करवाया था। एक प्रश्न ऐसे था कि गोगामेडी का कौन से जिले में नहीं है, दूसरे जिले के अंदर पूछा था, शायद दौसा के अंदर है या फिर इस प्रकार से पूछा था। तो गोगामेडी एंड गोगाजी से संबंधित सत्य कथन पूछे थे। और पिछवाइया कला पूछी थी कि मूर्ति के जो पीछे का भाग जन जो कला थी वो कौन सी कला है, पिछवाइया कला, है ना, जो मेवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है, ये पिछवाइया कला पूछी थी। जालौर जिले के अंदर शायद भीनमाल क्षेत्र पूछा था कि भीनमाल क्षेत्र से कोई प्रश्न आया था कि जालौर जिले के भीनमाल क्षेत्र में शायद हो सकता है कि वेन स्वांग ने यात्रा की हो, वो आया हो, या फिर भीनमाल क्षेत्र है वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है, इस प्रकार से उसे प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर जालौर हो जाएगा, या फिर जालौर के अंदर भीनमाल, यानी इससे संबंधित प्रश्न जरूर आया था। जिसने विद्यार्थी ने बताया था कि सर जालौर जिले के भीनमाल से संबंधित प्रश्न आया था उसने इतना ही बताया था, बाकी पता नहीं उसने क्या कहा। अशोक गहलोत है, वो पहली बार सीएम कब बने थे, तो 1998 से 2003, और मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा था कि सरकार इन्हीं की है और इन्हीं की सरकार से प्रश्न आएंगे और आप इन्हीं कुछ चीजों को पढ़कर जाना है, और जो विद्यार्थी यहां से पढ़कर गए थे, जो इन्हीं चीजों को पढ़कर गए थे, उनके लगभग प्रश्न सही हो रहे हैं। बाद में चर्चा भी करेंगे कि किसके कितने प्रश्न सही होने पर अपना सेफ सिक्योर के अंदर उपस्थित है ना, वो भी अपने जिक्र। पालनहार योजना पूछी थी, राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना शायद 1994 में, और ये तो सुबह वाली पारी में पूछा गया था, लेकिन शाम वाली पारी में फिर राजस्थान निर्वाचन आयोग से पूछा गया था। लगातार चारों पारियों में राजस्थान निर्वाचन आयोग से प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद नवजीवन योजना पूछी थी, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 7 पदक जीते थे, एक स्वर्ण पदक था जिसके द्वारा नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, और नीरज चोपड़ा से एक प्रश्न और भी पूछ लिया था उसने ना कि नीरज चोपड़ा ने कौन कितना मीटर लंबा भाला फेंका था। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था कितने प्रतिशत, कितना मीटर फेंका था, 87.65 मीटर भाला फेंका था। ये तो लगभग सभी विद्यार्थियों का सही होना ही चाहिए, तो क्योंकि जिस दिन इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था उस दिन तो मतलब भयंकर तरीके से भारत के अंदर चल रही था ना। और उसके बाद में स्वतंत्रता के समय 3 जिलों में लोक सेवा आयोग बना हुआ था, कौन से में नहीं था, तो उदयपुर के अंदर नहीं था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, 7 चरणों में, यानी एकीकरण से अभी तक सभी पारियों में प्रश्न आ रहे हैं। सुबह वाली पारी में देखने को मिले, 13 को भी मिले, 14 को भी मिल रहे हैं दोनों पारियों के अंदर देखने को, आज भी शायद आज वाला जो पेपर चल रहा है उसके अंदर भी मिल जाएंगे आपको देखने को। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है। और उसके अलावा बल्लू पोटरी का संबंध किससे है, तो जयपुर से हो जाएगा, यानी उसने जयपुर से बहुत से प्रश्न पूछे है। संबंध देखो, जैसे जयपुर वाले राजाओं के नाम पूछ रहा है, राजाओं के पिता का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ से जयपुर से संबंधित पूछ रहा है। उसके बाद जो बोरला जो रखड़ी आभूषण है वो किसका आभूषण है, सिर का आभूषण है, आभूषण भी पूछा था कल्चर के अंदर, तो बोरला रखड़ी आभूषण वो सिर का आभूषण हो जाएगा। उसके बाद में उसने प्रश्न पूछा था संयुक्त राजस्थान, यानी जो संयुक्त राजस्थान था पहले चरण का नाम क्या था, उसने इंग्लिश में भी नाम पूछे है। चौथे चरण का नाम जैसे सुबह वाली पारी में पूछा था ग्रेटर राजस्थान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन संयुक्त राजस्थान पूछे ना तो पहले का नाम था मत्स्य, दूसरे का नाम था पूर्वी, और तीसरे का नाम था संयुक्त पूर्वी, कौन सा था, संयुक्त पूर्वी था, और उसके अलावा पांचवे का तो व्रत हो, चौथे का व्रत हो गया, तो पांचवे का संयुक्त व्रत था। अब संयुक्त पूर्वी पूछा था या फिर संयुक्त व्रत पूछा था, अगर उसने संयुक्त व्रत पूछा है तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950, पांचवें चरण का 15 मई 1949 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने पूछा है तीसरे चरण का संयुक्त पूर्वी का तारीख पूछी है, तो संयुक्त पूर्वी की तारीख हो जाएगी 18 अप्रैल, क्या होगी, 18 अप्रैल 1948 होगी, यानी ये दोनों तारीखें ध्यान में रखना एकीकरण वाली। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तुंगभद्रा, पंचगंगा, पेन्ना और भीमा, इनमें से ऑप्शन पूछे गए थे। और वाल्मीकि अभयारण्य कौन सी नदी, वाल्मीकि अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ज्वार उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य शायद सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, इस प्रकार से ये प्रश्न आए थे। बाकी आप देख लेना ये प्रश्न आए हुए वो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न पूछे गए थे जो हमारे को बताया गया था, अब इनको स्टिक उन्होंने बताया नहीं तो इनका उत्तर कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जिन विद्यार्थियों ने दिया था तो वो तो देख लेना कि इनके उत्तर होगा वो क्या होगा, गूगल के अंदर देख लेना। बाकी दूसरी पारी के अंदर वही मैं फिर कहूंगा 90 से 100 के आसपास, क्योंकि प्रश्न है वो 110 तो अटेंड ही हो रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि 150 प्रश्न है, 2 घंटे का टाइम है, 110 के आसपास ही अपने उत्तर निकाल पा रहे हैं, ज्यादा उसको देख ही नहीं पा रहे कुछ
प्रश्न तो एक पेज पर एक आया हुआ है, दो पेजों पर दो प्रश्न है, तीन पेजों पर तीन प्रश्न है, इतने बड़े बड़े प्रश्न के ऊपर से पढ़ना शुरू करें तो नीचे वाला भूल जाए, है ना। इतने बड़े बड़े प्रश्न उन्होंने दे दिए, अब दे दिए तो दे दिए, लेकिन फिर भी 90 से 100 जिनके बच रही है, यानी 100 के आसपास जो घूम रहा है विद्यार्थी, यानी 95 मान लो, 95 से 100 के आसपास वाला विद्यार्थी उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, 90-100 के आसपास में वो दौड़ में शामिल है। बाकी तो कुछ कह नहीं सकते भाई, कल को ऐसे कहोगे आप कि भाई सर आपने तो 90 से 100 बताए थे, हमारे तो इतने ही थे और हम तो दौड़ की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारा हुआ नहीं, वो तो कुछ कह नहीं सकते। दौड़ करना आपके लिए कोई हानिकारक तो है नहीं, लेकिन 90 से 100 वाले हैं, उम्मीद तो जिंदा रखनी चाहिए अपने को ना। पड़ोसी के घर में तो आग जलेगी कम से कम कि भाई लड़का दौड़ कर रहा है, इसका मतलब पेपर भी पास हो गया है ना। और 100 के आसपास वाले तो फिर भी मानकर चलो 90 या 100 के आसपास जो हैं वो सेफ ही हैं एक प्रकार से, क्योंकि सारे प्रश्न 110 अटेंड हो रहे हैं, कुछ उनमें से गलत भी हुए हैं, तो 90-100 के आसपास जिन विद्यार्थियों का आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी आज पारी का जो पेपर होगा वो अपने फिर देखेंगे। यहाँ तक जितने भी विद्यार्थियों कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताना, ताकि लास्ट में अपने मेरिट का क्या कर सके निर्धारण कर सके। मिलेंगे नई क्लास में नए एपिसोड के साथ फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।